बोल रहे? भाई लड़की अपने रिश्तेदारों के घर पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ छुप गई। यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल में भी नहीं है, वहां भी नहीं मिली। कहाँ है तेरी बेटी? 3 दिनों से मैंने भी उसे नहीं देखा, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ और किस हाल में होगी। बुड्ढे, जानता है तेरी बेटी पे किसकी नजर पड़ी है? वीरू भाई की। इस शहर का गॉडफादर, काले धंधों का बेताज बादशाह। अब समझा कौन है वीरू भाई? हमारी आप लोगों के सामने क्या औकात है सर, मैं सच में नहीं जानता कि मेरी बेटी कहाँ है। नसीब वाली है तेरी बेटी जो वीरू भाई को भा गई। भाई के पास भेज दे, ऐश करेगी, वरना ऐश बन जाएगी। वीरू भाई पागलों की तरह तुम्हारी तलाश कर रहा है बेटी, तुम उसके हाथ न लग जाओ ये सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है। तुमने कहा था कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, क्या वो लड़का भी तुमसे प्यार करता है? अपनी जान से भी ज्यादा। तो इसी वक्त उस लड़के के साथ भाग जाओ बेटी, यहाँ से बहुत दूर जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। तीन दिन बाद आज टाइम मिला फोन करने का। कहाँ हो तुम इस वक्त? तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। कोई गुंडा मवाली तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और ये बात तुमने मुझे आज तक नहीं बताई। ऐसा क्यों? सच में मुझसे प्यार करती हो या फिर उस गुंडे के डर से मुझसे शादी कर रही हो? चुप क्यों? चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? आज तक सिर्फ उसने तुम्हें देखा है, आज वो मुझे भी देख लेगा। नहीं सत्या, मुझे डर लग रहा है, मैं किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहती। तो आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? भाई, उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है और कल सुबह वो दोनों शादी करने वाले हैं। जाके लड़की को लेके आ। गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया तू। Hey!
लड़की चाहिए ना, लेके जाए इसे। हिम्मत है तो लेके जाओ। तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत डर लग रहा है सत्या। मुझे लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं जी लूंगी। I love you. यहां से कहीं दूर ले चलो, मुझे यहां नहीं रहना है। खुश हो ना? भाई मुन्ना बोल रहा हूँ। क्या हुआ? वो दोनों हैदराबाद जाने वाली बस में बैठे हुए हैं। तूने अपनी बेटी को छुपा के रखा था ना? हाँ, और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर। हाँ भाई। पति को पत्नी पे शक था, इसलिए उसका खून करके खुदकुशी कर ली। कल के पेपर में छपना चाहिए। संजू। हाँ भैया। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और सत्य की शक्ल मुझे पसंद नहीं है। आज रात वो दोनों हैदराबाद जा रहे हैं, समझ गया ना? समझ गया भैया। अगर वो लड़की मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं। बस आपकी तरफ आ रही है। दीप्ति चलो चलो। कौन हो तुम लोग? हट जा। बस क्यों रोकी? चुप बैठ। ए, ये क्या गुंडागर्दी कर रही है? छोड़ दे उसे प्लीज प्लीज। हैप्पी जर्नी। रुक जा। देवा, बस को आग लगा दे। अब तक की जानकारी के अनुसार इस हादसे में कई लोगों की मौत।
शैलजा को फौरन बुलाओ। पेशेंट को देखा डॉक्टर? हाँ देखा। 70% बर्न इंजरीज, आधा चेहरा बुरी तरह से जल चुका है। His facial tissues are being exposed to air, इसलिए उसका ब्रेन कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है। Even his vocal cords are infected. और बॉडी पर काफी गहरे जख्म भी हैं डॉक्टर। ये एक एक्सीडेंट था ना? उस एक्सीडेंट में कोई नहीं बच पाया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि उसकी सांसें अब तक कैसे चल रही हैं। वो जीना चाहता है। He wants to live. I don't think it's possible. जब उसने अब तक हिम्मत नहीं हारी तो तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो? It's not our duty. लेकिन पेशेंट कोमा में है डॉक्टर, और ना ही उसकी कोई खबर लेने आया है। अगर उसे कुछ हो गया तो who will take the responsibility? He is my responsibility. जिंदगी तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी है, शांत हो जाओ प्लीज। सिस्टर, खोलो। जीवन में तुम्हें कभी इतने सरप्राइज नहीं मिले होंगे। बी रेडी फॉर इट। तुम्हारा ऑपरेशन मामूली नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सब्र रखना, सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा।
हर हाल में उसे ढूंढना होगा। क्या रे हीरो, ये फ्लैट खरीदने आया है? डील क्लोज, फ्लैट बिक गया टाटा। वो कहावत सुनिए ना, एक अनार सौ बीमार, इस फ्लैट के साथ यही हो रहा है। आप सच में सत्या ही हो ना सर? रास्ते का भिखारी हूँ, सड़क पे बहुत धूप थी इसलिए यहाँ छाव खाने आ गया, और अब भीख देने वालों को बुला बुला के भीख मांग रहा हूँ। आप बुरा क्यों मानते हो सर? आपकी शक्ल बंदरों से कम शरीफों से ज्यादा मिलती है, मैं तो जरा कन्फर्म कर रहा था। ए, कहा ना फ्लैट बिक गया, चल निकल। कौन है तू? सत्या का दोस्त हूँ। इसको भी इसी वक्त टपकना था, इसके सामने सत्या होने का नाटक नहीं कर सकता। अगर इसको पता चल गया कि मैं सत्या नहीं हूँ तो लोचा हो जाएगा, डील पर पोछा लग जाएगा। आपका कोई दोस्त आया है क्या? हाँ, दोस्त आया है, लंगोटिया यार है, बचपन में मेरी लंगोटी यही पहनता था, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फूटो। ठीक है, अगली बार आओगे तो रोकड़ा वोकड़ा लेके आना। अंदर आ जावे। नाम क्या बताया? राम। जानते हो मैं कौन हूँ? सत्या का मामा। मैंने उसे पाला पोसा, हट्टा कट्टा मुस्टंडा बनाया। हेलो, मेरे सामने उसकी निकल जाती है सुसु सुसु। क्या भाई, ये तेरे दोस्त का घर है, मतलब तू क्या कभी भी बिन बादल बरसात यहाँ टपक पड़ेगा? चल ठीक है यहाँ रह ले, लेकिन डिसिप्लिन से, सिर्फ दो दिन तुझे झेलूंगा, उसके बाद एक सेकंड भी रहा तो लात मार के निकाल दूंगा। ओए, वहां कहाँ जा रहा है? वो वाले कोने में पड़ा रहा है। अबे सुनाई नहीं दे रहा, बहरा है क्या? खुल जा सिंह सिंह, खुफिया कमरा। पहले पता होता तो उस दड़ियल से 10 लाख रुपए और मांग लेता। अरे सत्या ने तुझे इस कमरे के बारे में भी बता दिया? और तो जैसा है, कोई भी बात उसके पेट में नहीं रहती। वैसे तू यहाँ आया किस लिए है? कोई इंटरव्यू वगैरह है या और कोई काम? 4 लोगों का खून करने आया हूँ। भाई वो लड़की कहीं दिख नहीं रही है, भाग गई है। क्या वीरू भाई को जाके बोल सकता है वो भाग गई? नहीं नहीं, बोल ना, तू जाके ढूंढ उसे। प्लीज
टैटू वाला आदमी वो मुझे मारना चाहता है। तुम प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। ये वीरू भाई के आदमी तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? दिखता नहीं मैं एक हॉट लड़की हूँ? क्या हो? हॉट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत माचो लगा। भाई। वाव, व्हाट अ बॉडी सर, व्हाट अ बॉडी। आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ प्लीज? या। अरे यार एक फोटो लो ना। थैंक यू देवा, मुझे भूख लगी है। बस उसी दिन से मेरी रातों की नींद, दिन का चैन हराम करके रख दिया है। जब से वो मेरे पीछे पड़ा है मेरे आसपास के रहने वाले सारे हैंडसम लड़के मुझे देखते ही नहीं। यहाँ तक कि उसने मेरे घर आके मेरे माँ बाप को धमकी दी। एनीवेज तुमने मुझे उससे बचाया, थैंक्स। और अगर वो लोग फिर से आ गए तो? फिर आ गए तो क्या, वो पीछा करते रहेंगे, मैं ऐसे ही भागती रहूंगी। अगर अगली बार वो लोग आए तो उनसे कह देना तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन अभी तक मुझसे कोई पटा ही नहीं है। तो ये प्लान है, बॉयफ्रेंड बनोगी तो मुझसे रोज मिलना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रहे, मैं जहाँ भी जाऊंगी वो गुंडे मेरा पीछा जरूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारा पीछा करें। एक बात बताओ, तुम करती क्या हो? मेरा सपना है एक हीरोइन बनने का। क्या कहा? कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं, वैसे भी फिल्मों में ऐसी खूबसूरत शक्ल कहाँ देखने मिलती है। 11 बज गए क्या? क्यों? अब देखना इस काली गाड़ी में से एक काला कौवा पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरेगा। अब एक काला सांड कुछ चबाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा। भेड़ बकरियां भी उतरेंगी। भाई आइटम के साथ एक लड़का बैठा हुआ है। उसको क्या पता उसको कौन उठाने आया है, जा उठा गेला। हेलो, ये तो इसी तरह आ रहा है। कौन है बे तू और उसके साथ क्या कर रहा है? तू लगता क्या है बे उसका? हां मैं उसका जो भी लगता हूँ तेरा तो जीजा ही लगता हूँ साले। क्या बोला ये? बोल रहा है कि बॉयफ्रेंड है। ए अपना टाइम खोटी मत कर, जानता है हम लोग कौन है? देवा, देवा के लोग हैं हम। प्रूफ क्या है? प्रूफ? ए गुंडों के पास कोई राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं होता है, समझा? बोला तो मानने का। मैं नहीं मानता। चल देवा को फोन लगा, मैं उसी से बात करता हूँ। मेरे से बात किया ना तो समझने का देवा से बात कर लिया। मेरे को चाटा क्यों मारा? तुझे नहीं यार, देवा को चाटा मारा। मतलब तूने ही कहा तुझसे बात की तो देवा से बात की ना। देवा समझ के मारा तो ठीक है, मेरे को मारा होता ना तो। क्या यार, ये मेरे को भाई को धो रहा है। भाई आपको नहीं, देवा भाई को मारा है, सही बोला ना भाई? क्या दिमाग पाया तूने यार। चल देवा आ जा दोस्त, बात करते हैं। नहीं नहीं मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, मैं देवा नहीं हूँ। तू देवा बोल के मेरी धुलाई कर रहा है, तू डायरेक्ट देवा से बात कर ले। बोल बे क्या हुआ भाई? एक लौंडा खुद को उसका बॉयफ्रेंड बता रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है भाई। उसको बोल तेरे से बात कर ली यानी देवा से बात हो गई। ये डायलॉग जो मैंने चिपकाया था तो इसने मेरे गाल पे चिपका दिया था। भाई ये कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ज्यादा बोला तो मुझसे प्रूफ मांग रहा है, खुद ही बात कर लो। बोल देवा। क्या बोला तूने, सुनाई नहीं दिया? ज्यादा उछल मत, देवा भाई बोल रहा हूँ। अरे यार क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? देवा बोल रहा हूँ साले। गला क्यों फाड़ रहा है, तू धीरे बात नहीं कर सकता क्या? तेरे जैसा हर ऐरा गैरा कहेगा कि मैं देवा तो कैसे पता चलेगा असली देवा कौन है? प्रूफ कर यार। लगता है भाई से भी आधार कार्ड मांग लिया है। साले कुत्ते कमीने, तू किधर है बता, अभी वहां आता हूं। आज मूड नहीं है,
हम कल मिलेंगे। टाइम एंड प्लेस मैं डिसाइड करूंगा। ओए सुन, हेलो साले। मैंने तुझे 2 दिन का वक्त दिया था, 1 दिन पूरा हो चुका है। कल के बाद अगर तू यहाँ दिखाई दिया तो मुझे चबा जाओगे। कोई डाउट है? अरे हाँ, वो तूने कहा था कि तू 4 लोगों को मारने आया है, किसी को टपकाया क्या? 1 को अभी टपकाने जा रहा हूँ। अच्छा, कौन है वो? एक्सक्यूज मी, ये मुझे कुछ ज्यादा ही लाइटली नहीं लेता? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? एक दोस्त यहाँ मिलने वाला है इसलिए। दोस्त का कॉल आ गया। एक्सक्यूज मी। ओके। हेलो। ओए, देवा बोल रहा हूँ। तूने यहाँ बुलाया था ना? ले मैं आ गया। देवा क्या इतना फालतू है कि मैं बुलाऊंगा और वो सच में आएगा? ओए, मैं सच में यहीं से बोल रहा हूँ। पीछे मुड़ के देख, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। देख, मैं देवा का इंतजार कर रहा हूँ। तू चुपचाप जहाँ से आया वहीं चला जा। रुक साले, कहाँ जा रहा है? ओए रुक। बाहर आ साले, देवा यहाँ आ गया है। साले कहाँ छुप के बैठा है? रात 10 बजे एक बस वाइजैक टर्मिनल से हैदराबाद के लिए निकली थी। उस बस में 2 लोग थे, दीप्ति सत्या। लेकिन भाई तू कौन है? सत्या, सत्या! तुझे दर्द हो रहा है? इतने लोगों को मारने के बाद पहली बार दर्द महसूस कर रहा है। लेकिन उस बेचारी की सोच जो उस दिन बेमौत मारी गई थी, उसे कितना दर्द हुआ होगा? बात कर। देवा कहाँ हो तुम? वीरू भाई ये मुझे मार डालेगा। कौन है वो? बता कौन है वो? ए! पूरा शहर छान मारो, देवा को ढूंढ के लाओ। मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। उस दिन मैंने भी तेरे सामने दीप्ति को छोड़ने की भीख मांगी थी, तूने छोड़ दिया था। गलती हो गई। इतने दिनों तक लोगों को मारने में तुझे मजा आता था, अब तू अपनी मौत का जश्न खुद मनाएगा। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। खूनी बहुत शातिर है, उसने इसे मारने के लिए अपना दिमाग बहुत खर्च किया है। कितनी नाइंसाफी है, आज के लोग मर्डर करने के लिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ शहर में लोगों को बिजली नसीब ही नहीं हो रही। क्या भाई, कोई क्लू मिला कि नहीं? नो सर। एसीपी, ये क्या चल रहा है? वही चल रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। तुम्हारे आदमी को इतनी सफाई से ऊपर पहुंचा दिया कि साले ने एक सबूत भी नहीं छोड़ा। तुम पर गया है, अपने जाल में फंसा कर इसे यहां बांध दिया। जो भी है, प्लानिंग करने में मास्टर आदमी लगता है। लेकिन एक बात तो पक्की है,
कौन सी बात? वो चाहता तो इसे आसानी से गोली या चाकू मार के खत्म कर सकता था, लेकिन इसे यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। बदले की आग भरी हुई है उसमें, सर पर कफन बांध कर निकला है। आया, आ गया हीरो, खाली हाथ आया है, चिकन चिकन नहीं लाया, पंखा काम नहीं कर रहा, इसका इलाज कर। चैन से सोना है तो जाग जाइए, आपके आसपास न जाने कितने कातिल घूम रहे हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज शहर में एक मर्डर हुआ जिसने सनसनी फैला के रख दी। लोग मर्डर की न्यूज से कम इस नौटंकी से ज्यादा डरते हैं। मतलब किसी ऐरे गहरे आदमी का नहीं हुआ है, बल्कि वीरू भाई के आदमी का, देवा का। वाली बात यह है, ना चाकू का इस्तेमाल किया गया ना गन का, बल्कि शॉक देके मारा। ऐसा झटका दिया कि वो हमेशा के लिए झटक गया। ऐसे कई कातिल आपके आसपास भी मौजूद हो सकते हैं, कहीं आपकी जान को भी उनसे खतरा ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चैन से जीना है तो अपनी आंखें खुली रखकर सोना, क्योंकि शातिर कातिल को ना गन ना बम की जरूरत है। आपकी जिंदगी लेने के लिए एक छोटी सी वायर ही काफी है। यह भी हो सकता है कि पंखे की हवा ही आपकी जिंदगी की हवा निकाल दे। हीरो जैसी पर्सनैलिटी वाला भी खूनी हो सकता है। हो सकता है आपकी ही बगल में हो, आपके ही सोफे पे बैठा हो, और जैसे ही आपकी नजर हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना। एक्सक्यूज मी, ये टीवी क्यों बंद कर दिया? रात को नींद नहीं आएगी। सर, मैंने जाने अनजाने में आपको न जाने क्या क्या बोल दिया, प्लीज मुझे छोटा भाई समझ के माफ कर देना। अच्छा तो हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? आपके इस बड़े से महल में किसी भी कोने में पड़ा रहूंगा। मेरे बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। किसी को मेरे बारे में पता चला या मेरी इजाजत के बिना तुमने घर छोड़ा तो इस क्राइम स्टोरी में अगली खबर तुम्हारी आ जाएगी। प्लीज इस तरह का बम्पर ऑफर मुझे मत दीजिए, मेरा दिल बैठ जाएगा। सर, मैं जरा होके आऊं। आप कहां जा रहे हो? सुसु, प्लीज। थैंक यू सर। एसीबी बोल रहा था कि हमसे कोई बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है, पर कौन हो सकता है ये? कौन हो सकता है? हेलो भाई, मैं देवा का आदमी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपका दिल जिस लड़की पर आ गया था उसे मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन इससे पहले कि मैं भाई को कुछ बता पाता वो दुनिया से चल बसे। संजू, कोई लड़की का मैटर है, तू ही बात कर। बोल रहे कहाँ मिलेगी वो? आज का अखबार पढ़ा? वीरू का साथी मारा क्या? अच्छा हुआ मर गया, वरना किसी दिन मैं ही मार देती। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर ली ना। एक्टिंग करोगी? क्या मतलब? हीरोइन बनोगी, एक्टिंग करनी है। पूछने वाली क्या बात है, एक चांस मिल जाए बस फिर कमाल देखना। ठीक है तो दिखाओ कमाल। यहाँ पर डायरेक्टर साहब। सर सर सर, राम ने मुझे आपके बारे में बताया है सर, मैं कब से आपके साथ काम करने के लिए वेट कर रही थी। रियली? आप मेरे सामने हैं। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। आपकी पिक्चर के हीरो ने जब दो लड़कियों को एक साथ डेट किया था और फिर अपनी पत्नी को। उसका डायरेक्टर करण जौहर था, मैं नहीं था। वो कॉफी वाला, खुद पीता है सबको पिलाता है। ओके ओके ओके। अच्छा वो पिक्चर आपकी थी ना जिसमें एक के बाद एक जीप हवा में उड़ती रहती है? वो भी मेरी फिल्म नहीं थी, रोहित शेट्टी की होगी। तो आपकी फिल्म कौन सी है? ये मेरी पहली फिल्म है, माय डेब्यू। वैसे आपकी इस फिल्म का हीरो कौन है? मुझे कैसे पता होगा? हीरो भी आ गया। भाई ये क्या रे? गुलाब है। साले कितने प्यार से दिया है भाई। छे, पता नहीं उसे आप में क्या दिखता है, कब से पटाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन सेटिंग नहीं हो रही।
पता नहीं 3 महीने पहले उसने आपको कहां देखा। विनेश, मुझे तो साइड एक्टर बना दिया। पता नहीं लड़कियों के चॉइस को क्या हो गया। ये शाने, किसकी बात कर रहा है तू? हाँ, उस लाल ड्रेस वाली लड़की की। राम उससे क्या कह रहा है? हीरो को उसका सीन समझा रहा है। डायरेक्टर तो आप है ना? डायरेक्टर तो मैं ही हूँ, पर वो डायरेक्टर का डायरेक्टर है। पर मुझे सीन कौन समझाएगा? मैं किस काम आऊंगा बेबी, मैं हूँ ना। ओके। 3 महीने पहले तुमने हीरो को पहली बार देखा। 2 महीने पहले तुम्हें उससे इश्क मोहब्बत प्यार हो गया। 1 महीने से तुम उसे अपने दिल की बात बताना चाहती हो। ओके। आज वो तुम्हारे सामने आ गया है तो तुम उसे आई लव यू जानू कहना चाहती हो। वाह वाह, क्या सीन है। What a creativity. You're brilliant, sir. डायरेक्टर साहब, आपने सीन तो समझा दिया ना? हाँ, वो 3 महीने पहले तुमने जैसा कहा था वैसे सब समझा दिया। गुड। श्रुति, अपना टैलेंट दिखा दो। इस सीन में मुझे ये श्रुति नहीं चाहिए, तुम कैरेक्टर में घुस जाओ। बाय द वे, ये सिर्फ ऑडिशंस है, पर तुमने अच्छा किया तो डायरेक्टर साहब तुम्हें हीरोइन चुन लेंगे। क्यों सर? जैसा तुम कहो सर। आशीर्वाद दीजिए। ये किस तरह का फिल्मी चक्कर है? इसका हीरो कौन है? वीरू भाई का छोटा भाई। मेरा अगला शिकार है, किसी को बताना मत। सर, जिसका शिकार करना है करो, मुझ बेचारे किस्मत के मारे को तो बख्श दो। हाय। एक्चुअली 3 महीने पहले जब मैंने आपको पहली बार देखा, मेरा दिल, दिमाग, चैन, सब कुछ कहीं पे खो गया है। हमेशा बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है, लेकिन आज मैं तुमसे ये कहकर रहूंगी, आई लव यू। भैया, हो सकता है वो लड़की कुछ अनाप शनाप बोल के चली गई हो, आप प्लीज बुरा मत मानो। वैसे भी आप तो अरेंज मैरिज मटेरियल हो, आप उसे मेरे लिए छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। मैं चलता हूँ भैया। वो लड़की मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। हेलो डायरेक्टर सर, कल वाला सीन तो बिल्कुल कमाल का था। तुम्हारा ये कमाल मेरे लिए बवाल खड़ा कर रहा है बेबी, टेंशन कम है जो तुझे सीन समझाऊं। डायरेक्टर सर, आपने सीन समझा दिया ना? आपने मुझे समझाया था। श्रुति, सीन बहुत सिंपल है, कल तुमने हीरो को आई लव यू कहा, आज हीरो तुम्हें आई लव यू कहेगा, यही सीन है ना सर? मुझसे बिना पूछे सीन बदल दिया, ये चीटिंग है, डायरेक्टर को पूछना चाहिए ना। अब ये हीरोइन मेरे साथ दोबारा काम नहीं करेगी। सिचुएशन क्या है? मुझे हीरो के पीछे भागना है कल की तरह। क्या बात है, कल की हीरोइन परसों के डायरेक्टर से स्मार्ट है। ये लो तुम्हारा हीरो आ गया, अब भाग के उसके पास जाओ, भाग के वापस आ जाओ। अभी जाती हूँ सर। सर, किस्मत भी कितनी कुत्ती चीज है, कब उस खंभे पर सुसु करेगी पता नहीं। वो नहीं जानता कि आप ही विधाता हैं, करता धरता मारता सब आप ही है। आहा, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सुपर हिट। कुछ कहो ना। कल तुमने जब मुझे आई लव यू बोला तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? आई लव यू। ये क्या भैया? मैंने उसे आई लव यू कहा तो बिना कुछ बोले ही भाग गई। इसको शर्माना कहते हैं भाई। शर्माना? और क्या, अगर लड़के के आई लव यू कहने पर लड़की दबे पाव भाग जाए मतलब मामला सेट है। मतलब पोर्गी पटली रे। कैसा था जल्दी बताइए। जल्दी कैसे बताऊं, मुंह से शब्द नहीं निकलते, टेंशन से पसीना भी निकलना बंद हो गया है। आपका टेस्ट बिल्कुल बेकार है डायरेक्टर सर। मेरा? ये आदमी मेरा हीरो कैसे बन सकता है? तो क्या तुम्हें मेगा स्टार चिरंजीवी चाहिए? हीरो हो तो बिल्कुल राम की तरह, जो है हर लड़की के सपनों का राजकुमार, माचो, स्टाइलिश, मैनली। आई थिंक आई लव हिम। दिल में घंटी बजी। हेलो। ए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? दिमाग में केमिकल लोचा हो गया,
कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगा रे। अभी इसके लिए टाइम है भैया, तब तक ऐश कर लो। Come in. क्या है रे? नमस्ते सर। मिसिंग केस है सर, पिछले 10 दिनों से मेरी एक अच्छी दोस्त लापता है। फोटो वोटो है क्या? है ना सर। कितने दिनों से लापता है लड़की? 10 दिन से सर। पागल हो गया क्या? पर ये तो रुक, मैं भी आता हूं। बोल भानु। 10 महीने पहले हमने 2 लोगों को मार दिया था, दीप्ति सत्या। गड़े मुर्दे अभी क्यों खड़ा रहा है? एक लड़का मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया है कि दीप्ति 10 दिनों से गायब है। पागल हो गया है। ए, रोक उसको, वो जाने ना पाए। मेरे पास ला उसको। रोक, मैं कहता हूं रोक, रोक साले। को जल्दी नीचे उतारो। इतने लोग यहां खड़े हैं, क्या किसी ने यह हादसा होते हुए नहीं देखा? किसी ने भी नहीं? कोई तो होगा जिसने यह हादसा देखा होगा। ए, 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 वो, वो, वो। कातिल ने कैसे मारा उसे? वही बताने तो यहां आया हूं। ए, रुक जा। ए, रुक। कौन है बे तू? सत्या। सत्या? पहचाना मुझे? नहीं, मुझे मत मारो, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस का काम होता है अपराध पर लगाम कसना, और तू अपराधियों का साथ दे रहा है। Happy journey. क्या तुम्हें कातिल की शक्ल याद है? उसे देखते ही पहचान लूंगा। स्केच आर्टिस्ट को अंदर भेजो। उसका हुलिया बताओ जल्दी। और उसकी बाई आंख थोड़ी सी छोटी बनाना। हो गया सर।
यही वो? हाँ, यही वो शख्स है। अगर तुम्हारी दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर आना पड़ेगा। श्योर। रुको, उसका चेहरा इतनी बारीकी से तुम्हें कैसे याद है? ये चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता सर, मैंने उसे एकदम करीब से देखा है। क्या हुआ ऐसे भी कुछ पता चला? इंस्पेक्टर भानु का मर्डर हुआ है और कहीं ना कहीं इस मर्डर से तुम्हारा भी संबंध है। हर रोज न जाने कितने लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं ऐसे भी। अरे भाई सेलिब्रिटी हो तुम। हाँ बाय द वे, हमारे पास खूनी का हुलिया है। गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया तू। मैं इसे नहीं जानता। यही उम्मीद थी? हाँ तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। ये लो, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इंस्पेक्टर की फोटो के पीछे दो नंबर लिखा हुआ है और देवा की फोटो के पीछे एक। टेक केयर वीरू भाई। सुनो वो साला अभी तक जिंदा है, ले आओ उसे। सत्या किधर है? अंधे होके दिखता नहीं। इट्स मी। कन खजूरे, मैं सत्या के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं भी सत्या के बारे में ही बोल रहा हूँ। इट्स मी। व्हाई आर यू मिस हैंडलिंग मी? साले तू उसके घर में क्या कर रहा है? वो मेरा खुद का घर है, मैं ही उसका मालिक हूँ। 10 महीने से खाली पड़ा था तो मैंने कब्जा कर लिया, माँ कसम। जानता है ये कौन है? आप ही बता दो सर। घर में और कौन कौन रहता है? अगर इन्हें पता चला कि वो खूनी वहाँ रहता है तो ये मुझे भरी जवानी में लुढ़का डालेंगे। और कोई नहीं सर, सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ, एकदम सिंगल। लड़की ढूंढ रहा हूँ, कोई हो तो बताना। ये तो चवन्नी का मैं। एसीबी को जिसने इसका हुलिया बताया था उसको उठा के लाओ। भाई वो लड़का आ गया तो लाना इधर। अब किसकी एंट्री? ये यहाँ क्यों आया? तूने ही इसके आदमियों को मारा और अब तू खुद ही इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये लोग मान भी जाएंगे। बढ़िया सर, बढ़िया। आपने बुलाया भाई? क्या तुमने इसको ही देखा था? हाँ। ये साला एक एक करके मेरे आदमियों को टपका रहा है। ये नहीं, ये टपका रहा है। खून करते वक्त उस कुत्ते ने कुछ कहा था क्या? सिंपल सर, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ए बटले, चोंच बंद रहा। लो नेकी करो और खुद गड्ढे में जाओ। मुझे लगा था मैं अकेला नमूना हूँ, ये भी ऐसा ही है। बताओ उसने क्या बोला था? उसने कहा उसे आपकी आंखों में खौफ देखना है। वैसे उसने कुछ गलत नहीं कहा था, मुझे आपकी आंखों में खौफ दिख रहा है। मुझे ये चाहिए, जब भी ये तुम्हें दोबारा दिखे मुझे फौरन फोन करना। इसकी खबर देने के लिए या इसे पकड़वाने के लिए मुझे आपके साथ रहना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई इसका अगला शिकार आप। क्या कहा? ऐसा उसने कहा था भाई। क्या एक्टिंग करता है, ड्रामेबाज। मैं चलता हूँ भाई। सर मैंने भी उसे अपनी आंखों से देखा है। कहाँ देखा था? इस फोटो में और कहाँ। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भैया से बात करता हूँ। संजू क्या हुआ? वीरू भाई को जो लड़की चाहिए वो मिल गई। किधर है वो? देख रोड क्रॉस कर रही है। ए, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उस पर मेरे बड़े भाई की नजर है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर भैया को पता चल गया ना तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे, मार देंगे मुझे। उन्हें पता चलेगा तब ना। आई मीन आपके भाई को लड़की के बारे में आप ही तो बताएंगे ना।
कुछ दिनों तक सब्र कीजिए, आपके भाई से मैं निपट लूंगा। ए, तू मेरा सच्चा दोस्त है यार, शुक्रिया। हेलो भाई, मैं देवा का आदमी। हाँ बोल। याद है उस दिन आपको लड़की के लिए फोन किया था मैंने? हाँ तो वो लड़की मैंने ढूंढ ली है, पर आपका छोटा भाई उस पर फिदा है। हे गधे, जानता भी है तू किसके बारे में बात कर रहा है? मैं जानता था आप यकीन नहीं करेंगे। फोन रखिए, मैं फोटोज भेजता हूँ। संजू, देवा का आदमी बोल रहा था कि तू आजकल किसी लड़की के चक्कर में। नहीं भैया, आपको गलत खबर मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेकार में टेंशन मत लो, मैं जाऊं। छोटा भैया को मुझ पर शक हो गया, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप इस तरह शराब पीते रहोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? ए, तू मेरे भाई को जानता नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो क्या कर लेता तू? अरे बताना, क्या कर लेता तू? उसे मार देता। क्या? कब तक साला वीरू भाई की परछाई बन के जिंदगी काटोगे? अगर मैं किसी भाई के डर से अपने प्यार की कुर्बानी दूं तो धिक्कार है मेरे प्यार पर, लेकिन अगर मैं वीरू भाई को रास्ते से हटाऊं तो एक तीर से दो निशाने। पहला, मेरे दिल की धड़कन मेरी होगी, और दूसरा वीरू भाई की पोजीशन। ए, ए, भैया, अब इस शहर में संजू भाई का राज चलेगा। संजू, अगर तू कहता तो उस लड़की को चाहता है तो मैं तेरे आगे एक लड़की को क्या 10-10 लड़कियों को कुर्बान कर देता, लेकिन तूने एक लड़की के लिए अपने बड़े भाई को मारने की सोची। तेरे दिमाग में आज मुझे खत्म करने का ख्याल आ चुका है, ये कभी चाहेगा नहीं। इस ख्याल को खत्म करने के लिए तुझे खत्म करना होगा। नहीं भैया, नहीं भैया। हाँ भाई, ले जाए इसे यहाँ से। नहीं भैया, प्लीज भैया, मुझे माफ कर दो, मैं आपका छोटा भाई हूँ भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। अली, बोलिए भाई। हो सकता है मुझे तरस आ जाए और मैं तुझे फोन करके उसे वापस लाने को कहूँ। उसे भूल के भी छोड़ना मत, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, उसे यहाँ से बहुत दूर लेके जा। देवा का आदमी बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना आपका भाई लड़की पर फिदा हो गया है। आगे बोल। अब तक नहीं समझे? देवा का आदमी हूँ, देवा का आदमी हूँ ऐसा कह के देवा को शौक देकर मारने वाला मैं ही था। सत्या, देवा को सुनसान जगह पर बुला के उसे खत्म किया, फिर इंस्पेक्टर भानु को मॉल में लाया और उसे भी रस्सी से लटका कर मार दिया। तेरे भाई को उसी लड़की के जाल में फंसाया जिस पर तू लट्टू है। मैं चाले चलता रहा और बस तुझे मात देता रहा,
मेरी अगली चाल तेरे ही हाथों तेरे भाई को मरवाने की थी। आ, तेरी चिल्ला मत, चाल तो मैं चल चुका हूँ, अब उसे बचाने की सोच, कहीं देर ना हो जाए। नहीं 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 मारना, मुझे नहीं मारना, नहीं नहीं। संजू संजू संजू, उठ उठ मेरे भाई। हम जिससे प्यार करते हैं जब वो हमारी बाहों में दम तोड़ता है तो बहुत दर्द होता है, तब हमें एहसास होता है कि हम कितने लाचार हैं, कितने मजबूर हैं, तब दिल पर क्या गुजरती है, तेरी समझ में आ गया? साले, तुझ में दम है तो मेरे सामने आ। तू मेरा आखिरी शिकार है वीरू, मैं आ रहा हूं। सुन अली, उसने कहा था वो यहाँ आएगा। मैं आ गया भाई। भाई मैंने इसे यहाँ बुलाया, शायद किसी काम आ जाए। अली सबके हाथ में उसकी फोटो दे और ढूंढने को बोल। ये ले, सबको दे। सब आशिकों की माशूगा हूँ मैं, सब दीवानों की दिलरुबा हूँ मैं। ए, गाती रहेगी या ठुमका भी लगाएगी? जानता हूं तू यहीं कहीं छुपा हुआ है, बाहर निकल साले। कहां है ये? तेरी वजह से मैंने अपने भाई को मार डाला, बाहर आता कैसी गर्दन मरोड़ दूं? यहां जितने भी है सबको बाहर निकालो। वीरू भाई, वो बाकियों के साथ बाहर चला गया। वीरू भाई, ए! बाहर जाके ढूंढो उसे, ढूंढो। साले, कौन से बिल में छुपा है? छोड़ दे उसे। उस दिन तेरी माशूका का गला काट डाला था, अभी तू बाहर नहीं आया तो मैं इसका गला काट डालूंगा। तू उसे कुछ नहीं करेगा। तू है कहां बे? पीछे देख। किधर है तू? ए राम, वो यहीं कहीं है, ढूंढ उसे। मैं राम नहीं हूं, सत्या। इसका अगला शिकार आप है। तो सत्या तू ही है। सिर्फ मेरा चेहरा बदला है, बदले की आग नहीं। तुझे बोला था गलत टाइम पे गलत जगह आ गया है, लेकिन तू नहीं माना। दीप्ति को मार के तूने पहली गलती की और मुझे जिंदा छोड़कर तूने दूसरी गलती कर दी। जिंदा रहना चाहता है मुझे मत मार।
इससे पहले कि तेरा सर जमीन से टकराए तू नीचे गिरता हुआ अपनी मौत को करीब से देखेगा इंच बाय इंच। तुझे मौत नसीब नहीं होगी, फिर तुझे एहसास होगा कि मौत का मंजर कितना खौफनाक हो सकता है। हैप्पी जर्नी। I'm sorry, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल। Please sorry मत कहो, बल्कि मुझे तुम्हें thanks कहना चाहिए। You saved my life. तुम नहीं आते तो thanks. Thank you. Bye. अब अगला कौन? हाँ, नाम दे दे बाबा। बोलो। वो साला अभी भी जिंदा है। कौन? वो चरण अभी भी जिंदा है। अरे क्यों ऐसे झटके दे रहा है? मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। धर्मा को ये पता है क्या? नहीं। अरे तो देर किस बात की है, बताओ उसको। चरण अभी भी जिंदा है धर्मा भाई। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा भाई। उस साले का नाम और निशान मिटा दे, खत्म कर दे उसे। ठीक है भाई, ध्यान से देख यहीं कहीं।
किसने भेजा है तुझे? कौन है तू? क्यों मारना चाहता है? रुक साले! हे, किसने भेजा तुझे? क्यों मारना चाहता है? बता! हे, हे! कौन है जो मुझे मारना चाहता है? कौन है? ये लोग मुझे मारना नहीं चाहते थे, ये इस चेहरे को मारना चाहते थे। किसका है ये चेहरा? कौन हो तुम? किसने भेजा तुझे? ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी है। हेलो डॉक्टर शैलजा। हाँ कौन? मैं। कहाँ हो तुम? जब मैंने आपको फोन किया तो आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। आपने पूछा मैं कहां हूं और मुझसे मिलने इतनी दूर चली आई। क्या छुपा रही हैं मुझसे? कौन लोग हैं जो मेरी जान के पीछे पड़े हैं? क्यों दिया ये चेहरा मुझे? किसका चेहरा है ये? ये उसका चेहरा है जो लाखों लोगों के दिलों में बसता है। कौन है वो? कौन है वो? मेरा बेटा। मेरा इकलौता बेटा चरण। दोस्तों के लिए जान देने वाला और दोस्तों के लिए जान लेने वाला। गया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाड़े के टट्टुओं को कॉलेज में लाके मेरे दोस्तों को पीटा। जा बुला उनको। ये गुंडे कल भी कॉलेज आए थे ना? पैरों पर आए हैं, जाएंगे कंधों पे। भाई इसने मेरी बहुत धुलाई की। क्यों बे शाणे, खुद को हीरो समझता है क्या? ऐसा नहीं है भाई, आपने कल मेरे दोस्त को पीटा और साथ में एक वार्निंग दी थी। क्या थी वो वार्निंग? क्यों बे, कल जो भी डायलॉग मारे थे वो सब तेरे को वापस समझाते बैठेंगे क्या? आकाशवाणी एक ही बार होती है। अगर कल मैं यहाँ होता तो आकाशवाणी करने के लायक नहीं रहते। वैसे वो वार्निंग थी क्या? अच्छा, अपन से होशियारी। ए, ये मेरा छोटा भाई है, इस कॉलेज में सिर्फ इसका राज चलेगा। अगर किसी ने भी इसे छूने या मारने की कोशिश की, मैं उसे काट दूंगा। बाप रे। सेम टू सेम, यही जो वार्निंग थे। ये वार्निंग याद तो रहेगी ना? याद क्यों नहीं रहेगी, सुबह से रात तक यही तो काम करते हैं। एक बार फिर पूछता हूं। तो पूछ ना। इधर आ रे। जाओ
भाई ये दोबारा मारेगा मुझे। उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, जा। छोटे एक कान के नीचे बजा के दे उसको। भाई वो वार्निंग क्या थी? ये अपना छोटा भाई है, तूने उसको छूने की कोशिश। भाई इसने छोटू की धुलाई कर दी। अरे वो वार्निंग क्या थी मैं भूल गया। वो बात यह है कि वो इनका छोटा भाई है, उसे छूने की कोशिश की ना तो ये तेरे को छोड़ेगी नहीं। ए चुप, खिसक लो भाई, यहाँ रुके तो मार खा के जाएंगे। यहाँ आके मेरे दोस्त को मार के गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद वार्निंग क्यों दे? वार्निंग से मुझे चिढ़ है। उसके लिए सॉरी, तू तो छोटे भाई जैसा है, माफ कर दो। कहाँ जा रहा है? घूर क्या रहा है? भाई को भी मारेगा क्या? भाई आई एम सो सॉरी, आपने वो वार्निंग दी थी ना, क्या थी वो, याद नहीं आ रही। माफ कर दो यार, ना तो वो मेरा भाई है ना ये मेरा भाई है, वार्निंग के पीछे काहे को पड़े हो भाई, प्लीज मुझे बख्श दो, इन सबको हॉस्पिटल में ले जाके खटिया पे लिटाने का है ना भाई। जाओ फिर कभी मिलेंगे। फिर काहे को मिलने का है? मेरे को नहीं मिलना, कल से गुंडा कर दी बंद, रिक्शा चला के पेट भरूंगा। ए, चलो हॉस्पिटल छोड़ता हूँ। ये हम सबका कॉलेज है, लड़ाई झगड़े हमारे बीच सॉल्व होने चाहिए, बाहर से लोग आकर हमें धमकाए ये गलत है। कॉलेज में हम आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर यहाँ भी डर कर रहना पड़े तो जिंदगी भर यही करेंगे, सच कह रहा हूं ना? सॉरी, आई एम सॉरी। अरे उठा क्या कॉफी? चरण रोज सुबह कॉफी देर से लाते हो, तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल देर से पहुंचती हूँ। आपको कॉफी देने के चक्कर में मुझे स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में हमेशा देर होती रही, बचपन से मुझे एक रसोईया बना के रखा है। क्या करूँ, तेरे हाथ की कॉफी पिए बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। अरे 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 यहाँ। तैयार हो जाइए, कॉफी लेके आता हूँ। क्या यार, जल्दी नाश्ता लाओ, भूख लगी है। ये क्या है? नाश्ता खाने के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। ये खिलाता काम है, काम ज्यादा कराता है। क्या करते हो तुम लोगों ने कल फिर से कॉलेज में लड़ाई की? लेकिन हमारी कोई गलती नहीं थी आंटी, एप्पल दे। बेटा कब तक इन डफर लड़कों के साथ घूमते रहोगे? हा? तुम्हारी उम्र में तुम्हारे पापा और मेरे अफेयर को हो गए थे 3 इयर्स। क्या अफेयर? और ये जोक ऑफ द डे। प्यार के लिए दिल और ठंडे दिमाग की जरूरत होती है, इन दोनों मामलों में ये कच्चा है। एग्जैक्टली, इससे लड़की कहाँ पटेगी, इसका हिसाब तो चाय से ज्यादा केटली गरम का है। इसके गुस्से की वजह से लड़कियाँ इसके आसपास भी नहीं भटकती हैं। ओए तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, मेरा बेटा जिस लड़की को पसंद करेगा वो लाखों में एक होगी। कौन चाहिए? कौन हो तुम? आप डॉक्टर शैलजा ही है ना? कौन है मॉम? वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। चरण आपका बेटा है ना? हाँ। आपकी परमिशन हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? कम इन। अब बताओ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सासू माँ। कौन है मॉम? लगता है मेरी होने वाली बहू है। बहू? मर गया, वो पागल यहाँ भी आ पहुंची। तुम? How is it possible? मामू, कॉलेज में अचानक हरियाली आ गई है, तेरे पीछे व्हाइट टी शर्ट पे जो लड़की आ रही है वो एकदम पटाखा है, मैंने तो इसे अपने लिए बुक कर लिया, जल्दी पीछे मुड़ के उसे देख तो यार। ये तो मेरे लायक है, इस गधे के नहीं, कुछ करना पड़ेगा। शर्मा रही है। हाँ वो रेड स्कार्फ वाली अच्छी है। हाँ? रेड स्कार्फ? व्हाइट ड्रेस वाली जिसके हाथ में पिंक बैग है, वेरी ब्यूटीफुल। क्या हुआ? तुझे अपना दोस्त बुलाते हुए शर्म आती है? क्यों, तुझे अच्छी नहीं लगी? अरे तू राजा भोज है,
और वो गंगू देवी। क्या कहा? अरे अपनी बॉडी देख और उसकी फिगर देख, अपना कलर तो देख और उसकी कॉम्प्लेक्शन देख, कहां तेरी बत्ती सी और कहां उसकी घायल करने वाली स्माइल। एक बात बता, तू मेरी तारीफ कर रहा है उसकी? अबे तेरी तेरी खूबसूरती और उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला है? ऐसा क्या? अचानक से मुझे लग रहा है जैसे मैं गर्लफ्रेंड चूज करने में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ यार। अरे पगली, मैं तेरे लिए नहीं बना रहे यार, पहली नजर में प्यार हो गया था, तूने मेरी झूठी तारीफ करके मुझ जैसे कव्वे का भी पोपट बना दिया। दबंग पिक्चर दिखाएगा। सॉरी आदित्य, सिर्फ दो टिकट ही मिली है। लेकिन भाई मेरे साथ और कौन जाएगा? सोचना पड़ेगा। Excuse me, ये दो टिकट्स आप मुझे दे सकते हो प्लीज? काउंटर वहाँ है, वहाँ से लो। हम तो चाह रहे हैं। दे दे यार। थैंक यू। साले थिएटर में गुटरगू किया। आज गोल्ड माइंड में से हम गोल्ड लूट कर लेंगे। उस फिल्म के मौके पर मैं चौका मारना चाहता था। तेरी मम्मी सही थी, हम तीनों बिल्कुल डफर हैं। इसमें कोई शक नहीं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मंजू। मंजू उर्फ मंजूनाथ। चरण, किसी मंजूनाथ का फोन है। मंजूनाथ का फोन, ये लो, मंजूनाथ है। कौन है ये, आधी रात को फोन करते रहता है? मॉम, वो बेचारी बेचारा अकेला है ना शहर में। गुस्सा मत होना। मॉम थोड़ा सा हंस दो ना, इतना गुस्सा मत हो। क्यों ना हो, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं बताने ही वाला था मॉम, उससे पहले ये आ गई। अच्छा सुनो, हर माँ की तरह मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सही जवाब देना। पूछो। शादी के बाद तुम किसका ख्याल ज्यादा रखोगे, मेरा या उसका? आपसे एक बात कहूं मॉम, आपको देखकर पता नहीं उसकी याद आती है या नहीं, पर उसे देखता हूं तो आपकी याद हमेशा आती है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। जिंदगी में कुछ चीजों पर आपका काबू होता है और कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं, लेकिन पेपर में छपी एक खबर ने मेरे बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। अरे पानी दे। ये नजारा देखो। वाह 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 वाह, अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाना खिला रहे हो। धर्मा, मैंने कहा था ना कि ये जमीन को सरकार तक खाली नहीं करा सकती है, लेकिन तुमने कहा तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो फिर अब तक खाली क्यों नहीं हुई जमीन? ये विदेशी दड़ियल एक प्लान लेकर आया, कहता है फॉर यू 50%, फॉर मी 50%, और किसी ने पेपर में इस खबर को छाप कर पूरा रायता फैला दिया। मुझे लगा था कि तुम सुमड़ी में सारा मामला सुलटा दोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? बेकार में पंगा हो गया, अब झेलो जर्नलिस्ट को, सब खत्म। ए मीना बिटिया को अंदर ले जा। देख, अगर मैं चुप बैठा हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझना। मेरा जो ये रुतबा है वो मिनिस्टर, पैसे, बड़े नाम या खानदान की वजह से नहीं, मैं अपने बल पर खड़ा हूं खौफ की वजह से। मेरा ये साम्राज्य खौफ की नींव पर खड़ा है। खौफ ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। जहां तक पेपर की उस न्यूज का सवाल है, जंगल में कई बार हिरण शेर के चंगुल से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे चीर कर फाड़ देता है। हिरन के नसीब में मौत ही लिखी होती है। भाई वो जर्नलिस्ट उसी बस्ती में रहता है। ए भूखा। जी भाई। वो अपने ही इलाके में मरना चाहिए। भाई।
तू अंदर जा बेटा। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना तू अंदर जा। रुक जाओ सब। बाप। अरे इसने तो तुम्हारे लिए आर्टिकल लिखा था और इस बेचारे को अकेला ही छोड़कर जा रहे हो। अच्छे से देखो, इसके मौत का तमाशा अच्छे से देखो। धर्म के खिलाफ जो भी जाएगा उसका यही हश्र होगा। यहाँ बैठो भाई। आदित्य एक चाय लेकर। हाँ हाँ अभी लाया। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? चरण रुक जा, चरण रुक जा। ये धर्मा का आदमी है, छोड़ो बीच में मत पड़िए। बेचारा भाग रहा है। बीच में मत पड़ना, छोड़ना यार। तू समझता क्यों नहीं है तू? भाई वो मेरा दोस्त है भाई, वो यहाँ का रहने वाला नहीं भाई। वो आपके बारे में नहीं जानता है भाई। मैं हूँ ना, मैं उसको समझा दूंगा। तुझे क्या हो गया? मुंह क्यों लटका हुआ है? कल भरे बाजार में एक आदमी मर रहा था, किसी ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बताइए खून किसने करवाया था? धर्मा ने। उसे जानता तो ऐसे सवाल नहीं पूछता। उसके खिलाफ जाने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ता। अगर जिंदगी से प्यार है तो उसके काम में टांग मत अड़ाओ, बस चुपचाप जो हो रहा है वो देखते जाओ। अच्छा तो लाइफ में करना क्या चाहता है? पॉलिटिक्स। मुझे एक लीडर बनना है। लीडर? एक घटिया सड़क छाप गुंडे से तेरी रूह कांपती है और तू लीडर बनना चाहता है? लीडर वो नहीं जो डर के जिंदा रहे, वो जो डर को दूर करे। पहले ये सीख और फिर लीडर बन। अब बाइक स्टार्ट हो जाएगी। आज तुम्हें मेरे डैड से मिलना था, भूल गए ना? ओह नो। आप चरण्स मदर? ओह आई आई आई। थैंक यू। बैठिए। चरण के बारे में मंजू ने मुझे बताया था। इसी बात की चिंता तो मुझे यहाँ ले आई। कैसी चिंता? घबराइए मत, आपने उसे समझ लिया तो आपका बीपी शुगर कंट्रोल में रहेगा, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और ना समझ पाया तो आपको अपनी कार बेचकर एक एम्बुलेंस खरीदनी पड़ेगी। वो जब साफ साफ बात करता है तो लोग उसे थोड़ा पागल समझते हैं। अगर आवाज ऊंची करता है तो लोगों को गुस्सा आता है। दरअसल उसमें धीरज की कमी है, वो ज्यादा बात नहीं करता। ज्यादा बात करो तो चिल्लाता है, कभी कभी तो हाथ उठा देता है। वैसे आपके बच्चे में कोई अच्छी खूबी भी हो तो बता दीजिए। वो बच्चे की तरह अपनी माँ का ख्याल रखता है, पत्नी का ख्याल माँ की तरह रखेगा। क्यों? क्या उसे 2-in-1 काम करना पसंद है? अगर आपने उसे बोर किया तो वो भूल जाएगा आप ससुर हैं। मेरी बातें भूलिएगा मत, आपकी भलाई इसी में है। मंजू मैं हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा बात मत करना और मेरा हाथ मांग लेना, ठीक है? वहाँ क्या देख रहे हो? सासू माँ आप यहाँ कैसे? सासू माँ? तुम्हारे पापा को इसकी खूबियां बता रही थी। इन्होंने सब बता दिया होगा। क्या खाक बताया होगा? मॉम आपने सचमुच सब बता दिया? सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया, इन्हें धमकाया है। इन्होंने सिर्फ मेरी गलत फहमियां दूर की हैं। अंकल मंजू और मेरी मॉम ने क्या बताया ये जरूरी नहीं, पर आप क्या सोचते हैं ये जरूरी है। मंजू की बातों में मैंने तुम्हारे लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है और तुम्हारी माँ की बातों में तुम्हारे लिए एक भरोसा।
इससे ज्यादा भला एक बेटी के बाप को क्या चाहिए। मंजू मंजू मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जान है, अब ये तुम्हारी है। टेक केयर। श्योर। अरे ओ बुढ़ाओ, इधर आ। इस इलाके में 18 साल से ऊपर के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका साइन इस पेपर पर ले। ये पूरा इलाका धर्मा भाई को चाहिए। इस पेपर पर यह लिखा है कि तुम लोग ये पूरा इलाका धर्मा भाई को दे रहे हो अपनी मर्जी से। भैया, कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी, हमें बेघर कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक रास्ता है मेरे पास, अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे, शादी की क्या जरूरत है? कहाँ है तेरी बेटी? कहाँ है? किसी और को कोई प्रॉब्लम है साइन करने से? दो दिन का वक्त देता हूं तुझे, दो दिन में सारे बस्ती वालों के साइन हो जाने चाहिए, वरना तुम लोगों के अंगूठे काट के खुद ठप्पा लगा दूंगा। शादी की जल्दी मत करो, अगर जिंदा रहे तो शादी कभी भी कर सकते हैं। आ जाओ। क्या हुआ बाबा? पेपर्स पे साइन कर दे। साइन कर दूं? लेकिन क्यों? भूखा यहाँ आया था, उसने कहा है कि एक महीने में जगह खाली कर दो। जगह खाली कर दे? लेकिन ये तो हमारी जमीन है, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। न जाने कितनी मुश्किलें सहकर, दिन रात एक करके, पाई पाई जोड़कर आपने ये होटल खोला है। अब ये जगह छोड़कर हम सब कहाँ जाएंगे? चरण, तू क्यों चुप है? अब रोने से क्या फायदा? कॉलेज में किसी के साथ कुछ बुरा होता तो तू सह नहीं पाता था, आज तेरा सब कुछ छिन गया और तू रोने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा। कैसी बेबसी है ये? यहां हजारों लोग हैं, जा बुला के लाओ से, जा। वो हम सबको मार डालेगा। वैसे भी जिंदा लाश ही तो हो तुम सब, उसके डर से, उसके खौफ से तुम हर रोज न जाने कितनी मौतें मर रहे हो। देख चरण, तू उनको नहीं जानता, ये कॉलेज की लड़ाई जितना आसान नहीं है, वो धर्मा है। धर्मा है तो क्या हुआ हा? वो भी एक इंसान ही है ना, अगर वो 100 मारेगा तो हम एक भी नहीं मार सकते। बेटा, हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया में बहुत फर्क है, हम उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। हम हमेशा से दबके जिए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे। लानत है ऐसी जिंदगी पर। मैं पेपर पे साइन नहीं करूंगा। चरण बिल्कुल सही कह रहा है, हम इतने सारे लोग हैं, क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? किससे मुकाबला करने की बात कर रहा है हाँ? देख, उस बच्चे के सर से उसके बाप का साया छिन गया। बड़ा आया उन लोगों से मुकाबला करने वाला। सुनो, इसे घर ले जाओ। चलो बेटा। बेटा तुम घर जाओ, हम गरीबों को अपने हाल पे छोड़ दो, जाओ। मिस्टर धर्मा, 25 एकड़ की जमीन में हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3,00,000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया, आप तो रातों रात अरबपति बन जाएंगे। भाई, बस्ती से कोई लड़का आपसे मिलने आया। ए, आजा। आपने हमें एक महीने में अपनी बस्ती खाली करने के लिए कहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता, छोटे छोटे बच्चे
बूढ़े माँ बाप भूल जाओ। बाप का राज समझ रखा है क्या? वो हमारी जमीन है और हम उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। धर्मा! आज से पहले उस दरवाजे से अंदर आने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी, आज यहाँ मैं आया हूँ। कल कोई और आएगा, फिर कोई और। धीरे धीरे यहाँ सैकड़ों हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, तब तेरी मौत का तमाशा देखूंगा मैं। तेरी बात में दम है। बगावत की एक भी आवाज अगर मेरे घर से वापस लौटी तो न जाने और कितनी आवाजें उठेंगी, ये मैं होने नहीं दूंगा। ए बुखार! कहा था सैकड़ों हजारों यहां आएंगे, आने दो। अगर किसी में हिम्मत है तो इस दरवाजे के अंदर आकर इसकी लाश ले जाके दिखाए मुझे, देखते हैं किसकी मौत आई है। तुमने देखा ना बेटा, उनके खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा क्या होता है, मार डाला मेरे बेटे को। इतना बदनसीब हूं कि बेटे का चेहरा तक नहीं देख पा रहा, जिंदा लाश हो गई उसकी मां। हम गरीबों की तकदीर में यही लिखा है बेटा, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाऊंगा। कहां रहता है वो? ए चरण, रहने दे, जल्दबाजी में कदम मत उठा। धर्मा बास, 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 बास। कहां रहता है वो? Thank you.
कर दी तूने, मेरे इस दोस्त को मारकर गलती कर दी तूने। एक घंटे पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इस पल के बाद मेरे अलावा तू किसी और के बारे में सोच नहीं पाएगा। मन तो करता है तुझे अभी मार दूं, लेकिन तुझे जिंदा रहना होगा। लोगों में तेरा खौफ खत्म होना जरूरी है, उसे मैं खत्म करूंगा अभी इसी पल से। वो इलाका मेरा है। चालीस पचास साठ चाहे जितने आदमी भेज देना, सबका हश्र यही होगा। दिन लोगों के सामने मेरा बेटा नहीं था, उनकी उम्मीद की नई किरण थी। जो उसे पराया समझते थे, वो अब उसे पलकों पर बिठाने लगे। भाई, वो साइन किए हुए पेपर्स बस्ती वालों ने जला दिए। उस लड़के को बस्ती वाले अपना मसीहा समझ रहे हैं। पागल हो गया क्या? वो अकेला क्या उखाड़? राजा, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक ही आदमी से होती है। मेरा ये इतना बड़ा साम्राज्य देख रहा है ना, तो मैंने इसकी नींव अकेले रखी थी, कोई रोक नहीं पाया था मुझे। लेकिन आज देखना तुम, मैं रोकूंगा उसे। भाई, उसे मुझ पे छोड़ दो, मैं मारूंगा उसे। अपना थोबड़ा ठीक से देख लिया ना? पहली मुलाकात में आधे थोबड़े का बैंड बज गया, और जब दूसरी मुलाकात होगी ना तो मूछों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कभी दिमाग से भी सोच ले। धर्मा, लड़का गरम खून का है, डर उसके लिए मायने नहीं रखता। जो उसके लिए मायने रखता है वो डर गया तो ये भी डर जाएगा। ये दवाइयां अच्छा खासा माल कमा लिया है तुमने। तुम्हारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, फिर तुम्हारा बेटा धर्मा से पंगा क्यों ले रहा है? पति तो तुम्हारा पहले ही मर गया है, ले दे के एक बेटा बचा है उसका भी ख्याल ठीक से नहीं रख रही हो। अगर कल तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया तो अकेले जीवन काटना कितना मुश्किल होगा, सोचा है कभी? समझाओ उसको, सुधर जाए। मेरा बेटा स्कूल में बहुत शरारत किया करता था, टीचर्स उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आया करते थे तुम्हारी तरह। चरण की वजह से तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ गई है क्या? चुप कर! इतना घमंड? हाँ है घमंड, मेरे बेटे का घमंड है मुझे। मैं नहीं जानती उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन वो जो कहता है करके दिखाता है। लगता है तेरे बेटे को भी तेरे पति के... आवाज नीचे! ये सोचने की गलती मत करना कि एक औरत की रक्षा सिर्फ उसका पति कर सकता है। इस दुनिया से जाने से पहले मेरे पति मुझे एक शेर सौंप कर दे। दफा हो जाओ। चले, या और बेइज्जती करानी है? यस डॉक्टर। सर का बीपी हाई हो गया है, इन्हें एक टैबलेट दे देना। अगर माँ बेटे दोनों ऐसे हैं तो जरा सोचो बाप कैसा रहा होगा। धर्मा, हल्के में मत लेना, उसे बताना पड़ेगा कि डर किस चिड़िया का नाम है।
ये लो। बोलिए अंकल। हेलो चरण बेटा। हेलो। क्यों बे, बस्ती वालों को बचाने जा रहा है तू? तो तेरी माँ को कौन बचाएगा? मॉम। बोल मेरे मुन्ने। माँ की सांसें अभी तक चल रही हैं। अगर बात करने की इतनी ही जल्दी है तो घर आ। हेलो। सुना है तेरी आइटम फटाका है मंजू, उसे अकेले छोड़ के आ गया? तेरी भूल जैसी गर्लफ्रेंड को क्या मेरे लिए छोड़ कर गया है? अब तक तो तूने मेरे बारे में सिर्फ लोगों के मुंह से ही सुना होगा, अब अपनी आंखों से देख, क्योंकि शेर शिकार पर निकला है। जल्दी सोच किसके पास पहले जाके किसे बचाना चाहेगा। क्या हुआ? आप कहाँ भैया? क्या हुआ? वो साला आपकी बेटी के साथ इधर अपने घर में खेल रहा है। हाँ भाई, उसे छोड़ दे। भूखा क्या हो गया? बोलाना उसे इसी वक्त छोड़ दे। हाँ भैया। निकल निकल, अपने आदमियों को लेकर अभी के अभी वहां से निकल। रुक जाओ सब। हाँ भाई, राजा वहां से निकल जल्दी। हुआ क्या भाई? जो बोला वो कर। ठीक है। चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कोई मर गया? क्यों मैं और पकड़ा पकड़ी नहीं खेलनी तुझे? तेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है, अपने बाप की करतूतें नहीं जानती। जब तेरे आदमी उस जगह से बिना एक ईंट उखाड़े खाली हाथ लौट जाएंगे, तब लोगों को तेरी औकात पता चलेगी, तेरी पोल खुल के रह जाएगी। अब बस एक चीज का इंतजार है, उस बस्ती वालों को तुझे डरा के भगाने का। ए साले, वो बस्ती वाले मुझे डराएंगे? उनमें इतनी ताकत आ गई। आ जा वही आके मिल, मैं दिखाता हूं कौन डरता है और कौन डराता है। आ जा साले। क्यों बे, क्या कहा था तूने? ये लोग मुझे भगाएंगे? बोलना इनको, डराना तो दूर, मेरे सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे ये लोग। खड़ा क्या है, बोलना इनको। बच्चे यहां। बता, इसे देख के क्या करने का मन करता है? मुझे इसकी शक्ल देखकर इसे पत्थर मारने को मन।
मन कर रहा है। शाबाश, तुझ में जो हिम्मत है वो यहाँ किसी में नहीं है। मेरे साथ चल, यहाँ इन लोगों के बीच रहेगा तो तेरे अंदर बची खुची हिम्मत खत्म हो जाएगी। ये सब तो वैसे भी जिंदा लाशें हैं। अगर डर के साथ जीने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर अत्याचार सहेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, खुद को कोसता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। डर, डर के आगे घुटने टेक देगा। सब भूल गए, जो आदमी आपके हक के लिए लड़ा उसे आपके सामने मार दिया गया, जो आपके घरों को बचाना चाहता था उसे किसी ने नहीं बचाया। जब तक डरोगे डराने वाले पैदा होते रहेंगे। 10 भाड़े के गुंडे लाकर यह इंसान हजारों को डराता है। सोचो अगर हजार इसके सामने खड़े हो जाए तो। धमकाने वाले से अपने हक के लिए लड़ने वाले का दर्जा ज्यादा ऊंचा होता है। लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई में उतरना पड़ता है। जो जिंदगी ऊपर वाले ने दी है उसे कोई नहीं जीत सकता। हो गया, क्या डायलॉग मारा। चींटियां एक होकर सांप को मार सकती हैं, खास को पिरो पिरो के रस्सी बनाई जा सकती है, ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। और शेर को देखकर हिरण दुबक कर छुप जाता है, पर ये सच है। भूल जा, कोई आगे नहीं आने वाला। क्या रे बुढ़ाओ, तू इस लौंडे पे भरोसा करता है? हाँ, फुटले, अब जाता भी है कि तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा दो। एक होके सांप को मार सकती हैं, घास को पिरोकर मजबूत रस्सी बनाई जा सकती है, सिर्फ तकियानुसी बातें नहीं हैं। ये हकीकत है। आज तक इनकी आंखों में जो डर दिखाई देता था ना, आज तेरी आंखों में दिखाई दे रहा है। फिर कभी यहां आने की जरूरत मत कर, अगर आया तो तेरा क्या हाल होगा जानता है ना। हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगा। चल निकल जा। निकल, ए चल निकल। आज हमने उसे भगा दिया बेटा। जब भी हम आवाज उठाते थे वो हमारी आवाज दबा देता। उसके डर की वजह से हम दब के जी रहे थे। उसके सामने सर उठाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन आज के बाद हमारी किस्मत बदलेगी। आज से हमारी किस्मत का फैसला हम खुद करेंगे। एरिया खाली करवाने का वादा किया था आपने हमसे, और 100 करोड़ रुपए मैंने टोकन में दिए थे। अगर वो जमीन तुम नहीं खाली करवा सकते तो मुझे मेरा पैसा 2 दिन में वापस चाहिए।
खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान सब दे रहे हैं गुरु ज्ञान। अब आगे क्या सोचा है धर्मा? तुम्हारे आगे जिसकी पैंट गीली हो जाती थी आज वो तुम्हें धमकी देकर चला गया। पच्चीस सालों से धर्मा ने यहाँ राज किया, जो भी मेरे बीच में आया उसे मार डाला, एक एक करके लोगों के दिल में मेरे लिए खौफ बढ़ता गया और मैं फिर धर्मा से धर्मा भाई बन गया। पूरे 25 साल तक किसी ने मुझसे आंख मिलाने की जुर्रत नहीं की, लेकिन इस लौंडे ने मुझे हिला दिया। उसकी आंखों में खौफ ही नहीं है, रोकूं तो कैसे रोकूं उसे? कैसे? हे धर्मा, जानता है उसमें और हम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? हमारी ताकत हमारे पीछे खड़े लोग हैं, हमारी फौज है, लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी वो ताकत है। वो जितनी देर और जिंदा रहेगा हमारा जीना उतना ही दुश्वार होता जाएगा। हमें अपना डर हमेशा कायम रखना है, इसके लिए उसे मरना होगा। मार डाल उसे। भाई, चरण अपने दोस्त की शादी के लिए आजरा शहर से बाहर जा रहा है। तो आज की रात उसकी आखिरी रात होनी चाहिए, सुला दो उसे। बस आपकी तरफ आ रही है। आ गए हमारे चाहने वाले। तू यहीं रुक, मैं अभी आया। तुझे मारने के बाद धर्मा ने मुझे एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनाने का वादा किया है, और लीडर तो मैं बनकर ही रहूंगा। Oh!
तू मर्द है ही नहीं। वो पीछे से वार नहीं करते, मर्द तो सामने से वार करता है। चल मार, मार, मार। इसकी लाश उठा के इसकी मां को पार्सल कर दो। उस दिन जब मैं तेरे पास आया था तब तो तू बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। अब देख बेचारा तेरे सामने बेजान पड़ा हुआ है। क्या कहा था तूने? तेरा बेटा शेर है। जब तुम्हें हॉस्पिटल में लाया गया तब तुम्हारा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। तुम्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी और उन लोगों को मेरे बेटे की। मैं अपने बेटे से जुड़ी हजारों लोगों की उम्मीदों को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुझे अपने बेटे का चेहरा चाहिए था। तब मैंने ये फैसला लिया। मैं तुम्हें पहले ही ये सब बताना चाहती थी लेकिन तुम चले गए। न जाने मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। चरण की मौत के बाद क्या हुआ था? जाओ, तुमने मुझसे पूछा उसकी मौत के बाद क्या हुआ, अब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रामदूत अतुलित बल धामांजन पुत्र से वापस आए थे। दे, 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 छोड़ दो मुझे। दे,
उस दिन चरण के कहने पर इसी पैर से तूने मेरी छाती पर लात मारी थी ना। ए, हटो हटो, ये सब क्या लगा रखा है? धर्मा के आदमी है। धर्मा का आदमी है तो मनमानी करेगा। उसने मेरी टांग काट दी, हमें डराया धमकाया, उससे जो बन पड़ा उसने किया, लेकिन वो हमारी उस हिम्मत को नहीं हिला सका जो तुमने हमारे दिलों में जगाई थी। तेरी बात में दम था बेटा, वो यहाँ की एक ईंट तक नहीं हिला पाया। जिस खौफ से वो हमें डरा रहा था ना बेटा, आज वो उसी खौफ में जी रहा है। ए, एक हफ्ते की मोहलत पूरी हो गई, पूरी बस्ती खाली कर दो, वरना जानते हो ना उस इंस्पेक्टर का क्या हाल हुआ था, वही हाल तुम सबका भी होगा। खाली कर दो ये बस्ती। क्या रे बुढ़ाऊ, दूसरी टांग कटवाने का भी इरादा है क्या? बस्ती वालों को मेरे बेटे ने जो हिम्मत दी थी, उससे वो एक साल तक अपनी लड़ाई लड़ते रहे। अगर वो आज जिंदा होता तो। वो जिंदा है। चरण आज भी जिंदा है। सत्या जिंदा होकर भी पिछले एक साल से हर किसी के लिए मर चुका है, लेकिन चरण जिसे एक साल पहले मारा गया था, आज भी उस बस्ती के हर एक इंसान के दिल में जिंदा है। जीना है तो ऐसे ही जियो। अगर मैं उसकी तरह जिंदा नहीं रह पाया तो मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं रहेंगे। मैं जीऊंगा आपके बेटे चरण की तरह जीऊंगा। इस वक्त हम जन क्रांति पार्टी की रैली में हैं और हमारे साथ है उनके नए युवा प्रेसिडेंट शक्ति ठाकुर जी। सर, इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे? एक लीडर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, और सबसे जरूरी बात होती है भरोसा। इन सब का मुझ पर भरोसा है। अक्सर नेता कुर्सी के लिए लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे नेता ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, जो लोगों को धोखा देते हैं वो तो बस। वो आ गया भाई। अगर वो जिंदा है तो मेरा करियर खतरे में है। मार दो उसे। क्या ये सच है? तेरा बेटा अभी भी जिंदा है? तुमने ही उसे मारा था ना, खुद पर भरोसा नहीं? ये मिनिस्टर कहता है कि तेरा बेटा जिंदा है, ये लड़का बोलता है कि वो जिंदा है। क्या ये खबर सुनकर डर लग रहा है तुझे? डरूंगा और मैं? जब से तुम्हें पता चला है डर के मारे तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं। जब वो सामने आएगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? छुपने की जगह ढूंढ लो, वो आ रहा है। अगर वो जिंदा है तो इस बार उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो तो क्या उसकी रूह भी कांप उठेगी। शर्मा भाई, वो आ गया भाई। जिंदा कैसे है? धीरे धीरे यहां सैकड़ों हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, तब तेरी मौत का तमाशा देखूंगा मैं। यह
यहाँ से कोई भी जिंदा बच के जाने न पाए। काट डालो सबको। आज तक इसके अत्याचारों, जुल्म और मनमानी को रोकने के लिए आपने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। एक कदम और बढ़ाओ और इसका साम्राज्य खत्म। खत्म कर दो इसका साम्राज्य। भी आगे बढ़ाया तो तेरी माँ को मार दूंगा। रुक जा, आगे मत आ, तेरी माँ मरेगी। रुक जा। माफ कर देना भाई। अगर तू मरना नहीं चाहता तो तुझे किसी को मारना होगा। कुर्सी का क्या करूंगा मैं, अगर उस पर बैठने के लिए मैं ही नहीं बचा तो। जब तुझे पहली बार देखा तभी मैंने अपनी मौत को देख लिया था, लेकिन मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुझे भी साथ लेके मरूंगा। अबे देख के तो मारता। अब बस मेरी एक और जिम्मेदारी है, मंजू। उसे यकीन नहीं हो पाया कि चरण इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे डर था कहीं उसे सदमा न लग जाए, इसलिए मैंने उसे यहाँ से दूर भेज दिया।